बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन के रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई मकिल। किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। गाजर घास से बनाए उपयोगी कंपोस्ट। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बरसात के मौसम में पाले गए मवेशियों में प्रमुख रूप से खुरपका मुंहपका रोग लगते हैं। ये रोग मवेशियों में ना लगे इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष में दो बार पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग का टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है, एक बरसात में और एक जाड़े में। ये रोग विषाणु जनित होते हैं और बहुत तेजी से दूसरे पशुओं में फैलते हैं। रोग हो जाने की स्थिति में इलाज कठिन होता है, इसलिए बचाव आवश्यक है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भावों में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों,
आज हम आए हुए हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। सबसे पहले लेंगे हम दाल को, जिसमें मसूर दाल का न्यूनतम दर है 6,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम। मंसूरी चावल को अगर लेते हैं हम, तो उसका न्यूनतम दर है 3,300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तेल में अगर आएँ तो उसका औसतन दर है 12,100 रुपये। गुड़ की बात की जाए तो गुड़ का न्यूनतम दर है 4,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,400 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम। आखिरी में चीनी की बात की जाए तो चीनी का न्यूनतम दर है 4,100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अभी वापस हम चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी है वो बहुत सुंदर है, तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि टमाटर और बैंगन फसल में लगे वाला रोग और उकर देखभाल कर बारे में, ये तो बहुत सुंदर है नहीं।
तो कहे कर मतलब है किसान भाई बहन मन कि रोमन टमाटर कर खेती करीला, भाटा कर खेती करीला, भाटा मने बैगन हो गया, हाँ टमाटर कर खेती करीला, बैगन कर खेती करीला और इकर में फसल में अगर कीड़ा लग गया, रोग लग गया तो किसान भाई बहन मन के बहुत नुकसान होला। तो नुकसान से अगर बचना है तो चलू हम रोमन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। बैंगन और टमाटर की खेती 12 महीने होती है, इसलिए इनको नकदी फसल भी कहते हैं। हालांकि कई बार अधिक उत्पादन होने पर इसके दाम औंधे मुंह गिर जाते हैं, तो कभी कम फसल होने पर आसमान छूने लगते हैं। लेकिन यह सच है कि बैंगन और टमाटर की खेती से किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं, बस उसके लिए जरूरत है कि फसल की अच्छी तरीके से देखभाल हो ताकि उत्पादन अच्छा हो। उत्पादन अच्छा होगा तो जाहिर है मुनाफा भी अधिक होगा। आज हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर एके सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं टमाटर में बैगन की उचित देखभाल के बारे में। सर आप हमारे कार्यक्रम बहुत नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो टमाटर में बैगन का बहुत प्रमुख स्थान, इसके बिना सब्जी अधूरी है। जी जी। सबसे पहले टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर की देखभाल किसान भाई किस तरीके से? टमाटर हमारे झारखंड प्रदेश की अभी एक बहुत ही मुख्य सब्जी की फसल होती जा रही है, क्योंकि बरसात के मौसम में टमाटर का उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊपरवार ज़मीन में ही हो सकता है, निचले क्षेत्रों में टमाटर का उत्पादन नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाई टमाटर और बैंगन की भी रोपाई अब कर चुके हैं, क्योंकि ये सितंबर का मध्य सितंबर का समय ख़त्म हो गया है और हम लोग 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच रोपाई करने की सिफारिश करते हैं। अभी के किसान भाइयों को सबसे जो मुख्य बात को ध्यान में रखना है, एक तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर और बैंगन को अभी हम लोग उठी हुई क्यारियों पर लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। प्लास्टिक मल्च का प्रयोग तो किसान भाई किए ही होंगे, क्योंकि प्लास्टिक मल्च के प्रयोग से बहुत सारे खरपतवार स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं और जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं ज़मीन में उनकी संख्या बढ़ती है और जो जीवाणु हमारे फसल को नुकसान पहुँचाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। फसल को अभी फल मक्खी या फल बेधक कीट की समस्या, बैंगन पे फल एवं तना बेधक कीट का आने का एकदम उचित समय है और टमाटर में भी फल की मक्खी जब जैसे ही फूल वाली अवस्था आती है, फल की मक्खी या एक कीड़ा होता है जो पत्तियों पे सुरंग बना देता है, उसको लीफ माइनर पत्ती का पड़ सुरंग कीट बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि बैंगन की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, भुरभुरापन और जल निकास अच्छा होना चाहिए। स्थानीय मांग और लोकप्रियता के आधार पर ही उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। वहीं अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर में कई उन्नत किस्में हैं, पूसा रूबी, पूसा हरली, डवाफ, पूसा 120, पंत बहार, अर्का विकास, ये कुछ किस्में हैं। इसके अलावा भी झारखंड में अलग अलग किस्में प्रचलन में है जिसकी खेती अच्छी मानी जाती है। तो टमाटर में पत्तियों के पर सुरंग कीट की रोकथाम के लिए हम लोग जैविक कीटनाशी का प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। मोनोक्रोटोफास या मोनोसिल दवा को आधा लीटर पानी में डाल के आधा लीटर, एक लीटर पानी और आधा ml दवा, फिर एक से आधा ml दवा डाल के 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। बैंगन में जो फल एवं तना बेधक कीट आता है उसकी रोकथाम के लिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग इस समय कर रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप लगाने से 10x10 मीटर की दूरी पे एक ट्रैप हम लोग लगाते हैं, उससे जो हमारा नर कीट है वो फंस जाता है और इस तरह से हम लोग प्रजनन प्रक्रिया को रोकते हैं, फल की मक्खी की संख्या नहीं बढ़ पाती है और फल की मक्खी स्वतः नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि फूल वाली अवस्था में फल की मक्खी चली जाती है फल में, फिर उसको आप इस छिड़काव से किसान भाई नहीं रोक सकते हैं। इसलिए तना बेधक और फल बेधक कीट के लिए इस लियोर जो हमारा एक हार्मोन आ रहा है उसको लगाने की बहुत ही ज़रूरत, साथ साथ लार्विन नाम की दवा का छिड़काव भी हम लोग 1 ml दवा 1 लीटर के हिसाब से करेंगे, तब भी इस दोनों कीट का रोकथाम बैंगन और टमाटर पे हो जाता है। जानकार कहते हैं कि बैंगन की अधिकांश व्यावसायिक किस्मों को रोपाई के 60 से 100 दिनों के बाद काटा जा सकता है। रोपाई से लेकर कटाई तक का समय पौधे की किस्म, जलवायु और स्थितियों और लगाए गए पौधों की आयु पर निर्भर करता है। टमाटर में मुख्य रूप से झुलसा, अगेती झुलसा आता है अभी बारिश के मौसम में या नमी ज़्यादा रहती है, अगेती झुलसा के रोकथाम के लिए हम लोग डाइथेन M45 दवा है, अगर ये नहीं तो मोनको जैविक दवा आती है, 2 से 2.5 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के हम लोग
10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, तो इसके लिए हम वो स्टिकर का प्रयोग करते हैं। बाज़ार में स्टिकर आते हैं और घोल में मिला देने से जो हमारी दवा है लंबे समय तक पत्तियों के ऊपर चिपकी रहती है, तो बारिश होने पे वह दवा धुलती नहीं है और उसका सही बीमारियों को रोकथाम में काम आता है। और फल इसी अगेती झुलसा और बाद में पछेती झुलसा आता है, तो अभी अगेती झुलसा के लिए किसान भाई ये कर सकते हैं। बैंगन में भी फमोसिस ब्लाइट एक बीमारी आती है जो पत्तियों और फल दोनों को नियंत्रित करती है, उसके लिए भी हम लोग डायफंकोई भी फफूंद नाशित डायथेनम 45 दवा 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में छिड़केंगे तो फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप दोनों फसलों पर स्वतः ही हो जाता है। पौधे का सही समय पर देखभाल ना किया जाए तो वह खराब होने लग जाते हैं और पौधों में टमाटर नहीं आते हैं। इसके अलावा पौधे सूखने लगते हैं और पौधे के पत्ते भी पीले होने लगते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर टमाटर के पौधों में भी समस्या आ रही हो तो इससे निपटने के लिए कुछ अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिनमें ये जरूरी है कि पत्तियां पीली ना पड़े। बहुत सारे लंबे समय से किसान भाई अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। जैविक खाद में केवल केचुआ की खाद ही नहीं सम्मिलित है, इसमें हम लोग जो फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं कंपोस्ट खाद का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हम तो हर बात में किसान भाइयों के सुझाव देते हैं कि अगर सब्जी उत्पादन करना या कोई भी कृषि का कार्य करना है तो अपना फार्म यार्ड मैन्योर और सड़ी हुई गोबर का खाद बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए किसान भाइयों को पशुधन को अपनी खेतीबाड़ी से जोड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए खुद का बना हुआ सड़ी गोबर की खाद हम लोग तो कहते हैं करीब 200 कुंटल 2.5 एकड़ में डालने की सिफारिश करते हैं। अगर किसान भाई इसको डाल पाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जैसे जीवाणु मूर्छा रोग है वो अगर हमारी मिट्टी में अम्लीयता जाता है तो ज़्यादा आता है। तो देसी खाद या गोबर की खाद या केचुआ की खाद या हरी खाद भी आजकल पहले होती थी, आजकल तो किसान भाई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इनका प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की संरचना अच्छी बनती है और साथ साथ जो हमारे कीड़े मकोड़े बीमारियां हैं वो भी उनका प्रकोप कम होता है। और निश्चित रूप से इन खादों का प्रयोग करने से हमको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और कीड़े मकोड़े बीमारियों से अपनी फसल को सुरक्षित कर पाते हैं। तो किसान भाई बहन मन रोरोमन बैंगन और टमाटर का खेती के लिए तो नुकसान हुए ला, अब नुकसान से रोरोमन एकदम बच जाब है नहीं। तो किसान भाई बहन मन चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को, दूसर जानकारी जो है वह बहुत सुंदर है, धान की खड़ी फसल कर सामयिक देखभाल। ये तो भाई बहुत बढ़िया है कि धान फसल रोरोमन करी ला और उसका देखभाल अगर नहीं होलक तो भाई नुकसान तो होबे करी, तो नुकसान से बचना है तो चलू हम सीधे रोरोमन के लेकर चला थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका ऐसे जानकारी दिवा देवा थी। आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांटू और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा सिंधे जी। आइए इनसे हम जानते हैं धान की खड़ी फसल में सामयिक देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि सभी का धान लग गया होगा ट्रांसप्लांट होके, अब किसी का बालियां आ रही होगी या किसी का उस एक महीना लग के हो चुका होगा, तो अभी हमें धान की अच्छी देखभाल की बहुत ज़रूरत है तभी हमारी फसल अच्छी हो पाएगी। धान में बहुत सारा, एक तो खरपतवार से भी हमारी उपज कम होती है, कीड़ा लगने से या फिर कोई बीमारी आने से हमारी धान की फसल की जैसी उपज चाहिए हमें वैसी मिलती नहीं है। तो हमें सबसे पहले जैसे ही धान की रोपाई हो के अगर 1 महीना या 20 दिन हुआ होगा तो आपको सबसे पहले तो खरपतवार पे ध्यान देना है। तो धान में बहुत खरपतवार आती है तो उसकी निकाई गुड़ाई करनी है, निकाई गुड़ाई के लिए ज़्यादा लेबर लगेगा, अगर वो नहीं होगा तो आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। हर्बिसाइड में आप प्रिस बाय सोडियम या फिर फिनॉक्सल सोलियम का यूज़ कर सकती है, जो 30 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको उसका उपयोग करना है, या फिर आप अपना मैन्युअली ही निकाई या गुड़ाई करिएगा, जिससे कि आपका जितना खेत साफ रहेगा खतपर से तो आपका कीड़ा या फिर कोई रोग लगने का जो चांसेस है वो कम होते हैं। इसमें कौन से रोग लगते हैं? इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि आपका धान का जो पत्ता है साइड से पीला पड़ रहा है, कुछ कुछ काले धब्बे आ रहे हैं, कुछ गोल होते हैं, कोई आग के शेप का या बोर्ड शेप का होता है, या फिर बालियां जो है उसमें धान नहीं बन रहा है, मतलब दाना नहीं पकड़ रहा है, तो उसको हम जो जो बीमारियां है उसमें है लीफ ब्लाइट, शीट ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट होता है,
या फिर जो है ये हेलिप्थोस्पोरियम वाला एक बीमारी आती है, तो इसके लिए आपको है ना सबसे पहले तो कॉपर फंजिसाइड का यूज़ करना है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेक्साक्विनोजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको सही समय पे, जैसे ही आपको पहले ही आप देखेंगे कि थोड़े ही जगह पे आपका जो भी है धान है ना पीला साइड से पीला पड़ रहा है और उसमें काले काले धब्बे आ रहे हैं, मतलब लीफ ब्लाइट स्पॉट हो रहा है, तो आपको उसको तुरंत आपको इसका आपकी जो दवाई बताई गई थी उसका छिड़काव करना है। और आज ऐसे में और एक चीज़ होता है कि कुछ कुछ होता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आता है, मतलब हर कुछ बीमारी या कीड़ा नहीं होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे धान के फसल का जो कोना हो रहा है वो पीला पीला हो रहा है सभी फसल में, एक जगह पे नहीं सभी फसल पूरा खेत में ही हो रहा है, तो उसको हम जिंक डेफिशिएंसी बोलते हैं, उससे खैरा डिजीज़ होती है। इसके लिए हमको जिंक का स्प्रे करना है, जिंक का 0.1 से लेकर 0.2% जिंक स्प्रे करना है, उसको हमें 3 बार करना है, 7 दिन के अंतराल में हमें 3 स्प्रे करना है, जिससे हमारे धान में जो है आपका जो बहुत बार होता है कि धान जो है बाली में उस अनाज नहीं बन रहा है, मतलब धान का चाव हो रहा है उसमें बाली ठीक से नहीं बन रही है, तो उसके लिए हमें जिंक का स्प्रे करना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको दो हर्बिसाइड जो भी है 20 दिन के बाद, जैसे लगाने के 20 दिन के बाद धान का ट्रांसप्लांट करने के बाद ब्रिस प्राय सोडियम या फिर फिनोक्सेस सोनियम, ये आप जो है 30 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको उसको खेत में डालना है, जिससे कि खत पतवार जो है वो कम होगी या वो मर जाएगी या फिर आपको निकाई या गुड़ाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि धान के लिए सिंचाई की ज़रूरत, अगर बारिश अच्छी होगी तो हम इस धान को सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि इस बार हमें ठीक से बारिश नहीं हो रही है, बहुत गैप देके आ रहा है, तो बहुत बार धान का फसल सूखने लगता है, जिनका रोपाई हुई है वहाँ तो ठीक है, पर जो डायरेक्ट सीडर है जिसने लगा ये वहाँ पे है ना पानी की कमी पड़ रही, तो आप देखेंगे पौधा सूख रहा है, ज़मीन एकदम से कड़ी हो रही है, तो आपको एक सिंचाई देने की ज़रूरत है, भले ही आप वो आपके डोबा हो या आपके पास तालाब हो आपके पास कुआं हो कहीं से, आपको उसको एक सिंचाई देनी है। ज़्यादा दिन का गैप हो जाए, बारिश अगर 10 से 15 दिन तक नहीं आ रही है तो आपको उसको सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, उर्वरक में जैसे कि आपने पहले तो लगाते समय उर्वरक डाला ही होगा, पर हर एक महीने के बाद आपको उसमें नाइट्रोजन वाला जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप जो है ना अगर आपका ट्रांसप्लांटेड राइस है आपके इसमें पानी खड़ा होगा तो आप एजोला या फिर बीजीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक नाइट्रोजन के उर्वरक की तरह ही काम करेगा और आपका जो पौधे की जो धान की फसल की उपज है वो भी अच्छी होगी। आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत हरा हो रहा है, तो एजोला जो है आपको कहीं से भी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर BAU से आपको एजोला का जो बीज मिल जाएगा, और बीजे भी दोनों भी है ना आप धान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रोरमन की जानकारी हम दिली टमाटर और बैंगन के बारे में, उकर बाद हो गया धान कर खड़ी फसल में सामूहिक देखभाल है नहीं, ये जानकारी बढ़िया लगल। अरे से ले तो कहिला रोरमन के कि अगर रोटीन कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और हाँ पिन कोड संख्या जरूर लिखा इके भुला के नखे है नहीं, पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमन मनोज वर्मा की इजाजत देव मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाजत देव, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।